तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। भाई आज के इस वीडियो में हम खिलाड़ी भैया के कुछ एक्शन सीन देखेंगे जो कि हॉलीवुड की एक्शन सीन से मैच करता है, और वेलकम मूवी का भी कुछ सीन देखेंगे जो कि हॉलीवुड की सीन से मैच करता है। ऐलान भाई, ये मूवी 1994 में आया था और इसमें जो हमें एक बॉडी बिल्डर के साथ खिलाड़ी भैया की ड्रम वाला फाइट सीन देखने को मिला था, वो सीन दरअसल 1991 में आने वाली वैन डैम की मूवी डबल इंपैक्ट से उठाया गया था। नहीं मतलब ऐसे देखने में लगता है, अब ये झूठ है या सच आप ही देखने के बाद बताना। हाँ तो भाई आपको क्या लगा, क्या खिलाड़ी भैया के ये सीन कॉपीड था? नहीं। हो सकता है, पर इसमें खिलाड़ी भैया की क्या गलती? उनको जो करने के लिए कहा जाता है वो करते हैं, और एक्शन डायरेक्टर भी खिलाड़ी भैया को इसलिए ये सब एक्शन करने के लिए कहते हैं क्योंकि खिलाड़ी भैया उस लेवल का स्टंट कर पाते हैं। क्या आपको पता है खिलाड़ी भैया ने ब्रूस ली की लेवल की भी एक्शन की है? How the hell did you know that? 1993 में आने वाली अशांत मूवी में खिलाड़ी भैया की एक सीन देखने को मिला था जो कि ब्रूस ली की 1972 में आने वाली द वे ऑफ द ड्रैगन का एक सीन से मैच करता है। भाई आप में से कुछ भाई बोलेंगे कि क्या ये तो खिलाड़ी को ब्रूस ली के साथ कंपेयर कर रहा है, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा माना ब्रूस ली जैसा कोई नहीं, लेकिन 90s में बॉलीवुड में भी तो ऐसा कोई एक्टर नहीं था जो कि इतना खतरनाक स्टंट करता हो। सिर्फ खिलाड़ी ही एक थे जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ा से बड़ा स्टंट करने का हिम्मत रखते थे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। खैर बहुत हुआ बात, अब चलो 2004 में आने वाले आन मूवी का कुछ सीन देखते हैं। आन मूवी का ये सीन जो है 2002 में आने वाले इक्विलिब्रियम मूवी का एक सीन से मैच करता है। अब भैया आन मूवी का ये प्लेन वाला सीन 1997 में आने वाली फैशन मूवी का एक सीन से मैच करता है। भैया आन मूवी का क्लाइमेक्स में जो खिलाड़ी भैया की पेन वर्सेस नाइफ फाइट होता है, तो देखकर ऐसा लगता है जॉन विक ने पेंसिल को हथियार के तौर पे यूज करना जैसे खिलाड़ी भैया से ही सीखा हो, पर हम सब गलत थे। जॉन विक से पहले, खिलाड़ी भैया से भी पहले मैट डेमन ने ये ट्रिक अपना लिया है। जी हाँ, 2002 में आने वाले दी बॉर्न आइडेंटिटी मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही फाइट देखने को मिला था।
भाई बारी है वेलकम की। भाई माना ये फिल्म 1999 में आने वाले मिक्की ब्लू आइज मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनी है और इसमें कुछ इंस्पायर्ड सीन भी है, पर फिर भी ये हमारे लिए एक बेस्ट कॉमेडी फिल्म है क्योंकि कॉपी या कहो इंस्पायर्ड होकर बनने के बाद भी अगर ये हमें निराश करता तो शायद हम इसे गलत बोलते, लेकिन ये मूवी ने हम सबको बहुत हंसाया है। Really? अच्छा आपको नाना पाटेकर का नाम सुनने के बाद क्या याद आता है? क्रांति वीर का स्पीच। और अनिल कपूर के नाम सुनने के बाद? मिस्टर इंडिया या फिर माय नेम इज लखन, है ना? मुझे पूछो तो भाई वेलकम देखने के बाद नाना और अनिल के नाम सुनते ही उदय और मजनू याद आते हैं। हाँ लेकिन भाई वेलकम में भी कुछ ऐसे सीन है जो कि कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड लगता है, चलो देखते हैं। तो भाई ये सीन था 1990 में आने वाली कमल हसन की एक मूवी की, जिसे देखकर लगता है कि वेलकम का क्लाइमैक्स इसी मूवी का सीन से इंस्पायर्ड होकर बनी हो, पर हमारा सामने एक और सीन भी है। भाई देखा आपने चार्ली चैपलिन की मूवी की सीन से इंस्पायर्ड होकर कमल हसन की मूवी की सीन बना और कमल हसन की मूवी की सीन से इंस्पायर्ड होकर वेलकम का क्लाइमेक्स बना। अब ये यहाँ खत्म नहीं होता, एक और सीन भी है। वेलकम में हीरो गिर गया सोच के जब सारे दुखी हो जाते हैं और तभी हीरो पीछे से आकर सबके दुख को खुशी में बदल देता है। ये सीन 1989 में आने वाली इंडियाना जोन्स 3 की एक सीन से मैच करता है। तो भाई ये था खिलाड़ी भैया के कुछ सीन्स जो कि हॉलीवुड की सीन से मैच करती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना। और हाँ आपने भी अगर ऐसा कुछ सीन देखा है जो कि आपको कॉपीड लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।